बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, पहले ये देखें। तना में पाई जाने वाली विशेषताएं, पहली जो विशेषता है वो है कि तना में जो बाह्य त्वचा पाई जाती है उसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यह हुआ पहला, तना में जो बाह्य त्वचा पाया जाता है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। दूसरी विशेषता है, तना में यदि रोम पाया जाता है तो वो बहुकोशी होता है। तना के बाह्य त्वचा के ऊपर जो रोम होता है वो कैसा होता है, बहुकोशिकी। तीसरी विशेषता इनके समान पुल में देखेंगे, तो तना का समान पुल पुल जो है संयुक्त कोलेट्रल बाइकोलेट्रल एवं संकेंद्री प्रकार का होता है। तो ये सवन पुल इसमें संयुक्त कोलेट्रल बाइकोलेट्रल और कैसे हो सकते हैं, संकेंद्री हो सकते हैं। संयुक्त किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोयम एक ही त्रिज्या में स्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोयम जो है एक ही त्रिज्या में स्थित होते हैं और साथ ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद लिखे कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब है जाइलम जो है अंदर की ओर स्थित रहता है समन पुल में और फ्लोयम बाहर की ओर। केंद्र या अंदर की ओर, फ्लोयम बाहर या परिधि की ओर स्थित रहता है। जैसे कोलेट्रल के लिए ये मान लीजिए आपका सवन पुल है। सवन पुल का ये जो भीतरी वाला भाग है, इस भाग में क्या पाया जाता है, जाइलम।
और बाहर की ओर क्या पाया जाता है? फ्लोएम। तो इस प्रकार के संवहन पुल को कोलेट्रल कहा जाता है। उसके बाद लिखे हैं अपन बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में संवहन पुल के बीचों बीच कैम्बियम स्थित होता है, सॉरी कैम्बियम नहीं, जाइलम रहेगा बीच में, बीच में जाइलम रहेगा और इस जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम पाए जाते हैं। ये आपकी कैम्बियम की पट्टी होगी, अंदर और बाहर दोनों ओर कैम्बियम की पट्टी होगी और इसके बाहर और भीतर दोनों की ओर क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। और बीच में जाइलम रहता है, तभी इस प्रकार के संवहन पुल को कहा जाता है बाइकोलेट्रल संवहन पुल। तीसरा यहां लिखे हैं सकेंद्री। सकेंद्री का मतलब है जाइलम तथा फ्लोएम एक दूसरे को घेर के रखते हैं। मान लीजिए ये फ्लोएम है तो अंदर रहेगा जाइलम, और दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोएम जो है कहाँ पे हो? अंदर की ओर हो, और बाहर क्या पाया जाता है? जाइलम पाया जाता है। ये आपका जाइलम, ये फ्लोएम। फ्लोएम फिर यहाँ पे बाहर की ओर क्या है? फ्लोएम, और अंदर क्या है? जाइलम। तो कॉन्सेंट्रिक या सकेंद्री प्रकार के संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को क्या करते हैं? घेर के रखते हैं या घेरे हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे संवहन पुल बंद प्रकार, बंद और खुले प्रकार का होता है। बंद और खुले प्रकार का संवहन पुल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम के बीच में यदि कैम्बियम उपस्थित है तो उसे कहा जाता है खुले प्रकार का संवहन पुल, और यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है कैम्बियम, तो उसे कहा जाता है बंद प्रकार का संवहन पुल। तो तना में संवहन पुल संयुक्त कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल, सकेंद्री, बंद और खुले प्रकार का होता है। और इनका जाइलम जो है एंडार्क प्रकार का होता है। जाइलम एंडार्क होता है, अर्थात प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होते हैं, केंद्र की ओर स्थित रहता है प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम जो है परिधि या बाहर की ओर स्थित रहते हैं। प्रोटोजाइलम का अर्थ होता है जो प्रोटोजाइलम होता है वो आकार में छोटा होता है, और उसके बीच में जो गुहा पाई जाती है वो भी कैसी होती है? छोटी। आकार छोटी होगी, साथ में गुहा भी कैसी होती है? छोटी होती है। तो इस प्रकार के जाइलम को कहा जाता है प्रोटो जाइलम। मेटाजाइलम में जाइलम का आकार बड़ा होगा और साथ में उसमें जो गुहा पाई जाती है, ये जो गुहा है उसका आकार भी कैसा होता है? बड़ा होता है, तो उसको कहा जाता है मेटा जाइलम, और ये जो है परिधि की ओर स्थित होता है। तो ये था
तने की विशेषता। अब हम द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है उसका अध्ययन करेंगे। द्विबीजपत्री तना कौन कौन से होते हैं? सरसों, मटर, कद्दू आदि, ये सभी पौधे कौन किस प्रकार के होते हैं? द्विबीजपत्री पौधे होते हैं और इनमें इनके तना को क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री तना। तो इस की तना में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बाहर जो संरचना पाई जाती है उसको कहा जाता है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है कॉर्टेक्स, तीसरा आपका सवान पूल सॉरी पेरिसाइकिल, चौथा सवान पूल और पांचवा है पित्त। तो ये संरचना जो है किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री तना में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखें बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जो है तने का सबसे बाहर का आवरण होता है या तने में सबसे बाहर स्थित होता है और ये एक कोशिका का बना हुआ होता है या सिंगल लेयर्ड होता है। ये आपकी हो गई बाह्य त्वचा जो तने में सबसे बाहर स्थित होता है और एक कोशिका का बना हुआ होता है। इसी बाह्य त्वचा के ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इस बाह्य त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स पाया जाता है और कॉर्टेक्स जो है तीन भागों में बटा हुआ रहता है, हाइपोडर्मिस, सामान्य कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो बाह्य त्वचा किसके नीचे? बाह्य त्वचा के नीचे कौन स्थित रहता है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स कितने भागों में बटा है? तीन भागों में या तीन भागों से मिलकर बनता है, हाइपोडर्मिस, सामान्य कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे अब देखेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस द्विबीजपत्री तना में कोलन काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है। किस प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है? कोलन काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है और इन कोशिकाओं की संख्या जो है 3 से 5 स्तरों की होती है या 3 से लेके 5 कोशिकाओं की बनी हुई मोटी स्तर क्या कहलाती है? हाइपोडर्मिस कहलाती है। और ये किस प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है? बोले कोलन काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है और इनके इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है नहीं पाया जाता। तो ये पूरा जो खाली स्थान है वो भरा रहेगा, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश जो है नहीं पाए जाते हैं।
एपिडर्मिस, ये आपका क्यूटिकल और ये हाइपोडर्मिस जो कोलन काइमेटस होता है। इसके नीचे कौन स्थित रहता है? कॉर्टेक्स या सामान्य कॉर्टेक्स। सामान्य कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पेरेंट काइमेटस कोशिका होती है, या सामान्य कॉर्टेक्स जो है वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनती है? पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। और इन पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं के बीच बीच में पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस जो है पाया जाता है। जो हाइपोडर्मिस की कोशिका है उसमें क्लोरोफिल के पिगमेंट्स या क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। तो ये आपकी हो गई सामान्य कॉर्टेक्स जो पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है पाया जाता है। इसके नीचे आता है पेरिसाइकिल, द्विबीजपत्री तना में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के पहले हम कौन सी संरचना का अध्ययन करेंगे? एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी भाग या भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस। और ये जो है सिंगल लेयर होती है या एक कोशिका की बनी हुई होती है। और एंडोडर्मिस की जो कोशिका होती है उसका आकार होता है ढोलक के समान, और इन कोशिकाओं में कभी कभी सुबेरिन, लिग्निन आदि पदार्थ जमा होते हैं जिसके कारण यहाँ पे एक पट्टी बनती है। उस पट्टी को कहा जाता है कैस्पेरियन पट्टी। क्या कहते हैं? कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं। और एंडोडर्मिस की कोशिका का आकार कैसा होता है? बैरल शेप्ड या ढोलक के आकार का। इसके एंडोडर्मिस के नीचे स्थित होता है पेरिसाइकिल, और इसमें जो द्विबीजपत्री तना है उसमें पेरिसाइकिल, पेरेंट काइमेटस और स्क्लेरेंट काइमेटस दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये दोनों कोशिकाएं जो है एकांतर क्रम में या अल्टरनेट क्रम में स्थित होते हैं। ये आपका पेरेंट काइमेटस कोशिकाएं हुई। इसके बाद यहाँ पे कौन सी कोशिकाएं होंगी? स्क्लेरेंट काइमेटस। और स्क्लेरेंट काइमेटस की कोशिका भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी। तो ये पेरेंट काइमेटस, स्क्लेरेंट काइमेटस, फिर से यहाँ पे कौन सी कोशिका होगी? पेरेंट काइमेटस कोशिका। तो और यहाँ पे स्क्लेरेंट काइमेटस की कोशिका स्थित होती है या यहाँ पे पाई जाती है। और ये संरचना होती है पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल की और ये जो है मल्टी लेयर होती है। तो यहाँ पे आपको दो से अधिक कोशिकाओं को बनाना पड़ेगा। तो ये मल्टीलेयर क्या हो गया आपका? पेरिसाइकिल। अब आगे कौन सी संरचना आती है? संवहन पुल। Thank you.
स्किन, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स, इसमें इसके नीचे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इसमें से कुछ जो है पैरेन्काइमेटेड होंगे और कुछ स्क्लेरेन्काइमेटस। पेरिसाइकिल और इसके नीचे क्या आता है, समान पुल, द्विबीजपत्री तना के समान पुल किस प्रकार के होते हैं, संयुक्त, कोलेट्रल और खुले प्रकार के समान पुल होते हैं। और इनका जो समान प्रोटोजाइलम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, केंद्र की ओर। तो बड़े आकार के या मेटाजाइलम कहाँ रहेंगे, परिधि की ओर, और प्रोटोजाइलम कहाँ पे रहेंगे, सेंटर की ओर। तो ये आपका मेटाजाइलम है और ये वाला क्या है, प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर स्थित रहता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर। इस प्रकार के जाइलम को क्या कहा जाता है, एंडार्क कहा जाता है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ पर रहता है, केंद्र की ओर रहता है। ये ऐसा रहेगा, बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। तो पहले कैम्बियम बना लेते हैं। समान पुल में, समान पुल कैसा होता है बोलिए, संयुक्त, कोलेट्रल और खुला प्रकार का। तो ये खुला प्रकार का समान पुल किसको बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है। तो कैम्बियम के बाहर की ओर फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती हैं और फ्लोएम की कोशिकाओं का कार्य है भोज्य पदार्थों का संवहन करना। और ये फ्लोएम की कोशिकाएं जो है किसकी बनी रहती हैं, चालनी नलिका, सखी कोशिका और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। ये आपका कैम्बियम, और कैम्बियम के नीचे जाइलम स्थित होता है। तो प्रोटोजाइलम कहां पर रहेगा, ऊपर की ओर या बाहर की ओर, और मेटाजाइलम बाहर की ओर, और प्रोटोजाइलम कहां पर रहता है, केंद्र की ओर।
ये आपका जाइलम है। जाइलम क्या कार्य करता है? पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। और जाइलम बना रहता है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेंट कायमा का बना हुआ होता है। इन दो संवहन पुल, मतलब इधर बाहर की ओर फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है, नीचे की ओर क्या है? जाइलम है। इनके बीच बीच में जो कोशिकाएं होती हैं वो पेरेंकाइमेटस होती हैं। और इन ये ऊतक चूंकि संवहन पुलों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इसको संयोजी ऊतक भी कहा जाता है या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सबसे अंतिम संरचना जो तने की आंतरिक संरचना में पाई जाती है वो क्या है? पित्त। पित्त संवहन पुल के भीतर की ओर स्थित होता है या सबसे तने का भीतरी भाग है, उसमें क्या पाया जाता है? पित्त पाया जाता है। और पित्त की कोशिकाएं जो है पेरेंकाइमेटस होती हैं और इन कोशिकाओं में इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। तो ये द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना है जिसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाहर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है तीन भागों में बटा हुआ रहता है। हाइपोडर्मिस के नीचे स्थित भाग को कहते हैं इपिडर्मिस के नीचे स्थित भाग को क्या कहा जाता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसका बना रहता है? कोलन कायमा का बना हुआ होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स पाया जाता है या स्थित होता है। और ये इसकी कोशिकाएं किसकी बनी रहती है? पेरेंकाइमेटस की बनी हुई होती है। पेरेंकाइमेटस कोशिका की बनी हुई होती है और इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो है पाए जाते हैं। और कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी भाग कहलाता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के अंदर संवहन पुल पाए जाते हैं या वेस्कुलर बंडल, जो कि फ्लोएम, कैम्बियम और किसके बने हुए होते हैं? जाइलम के बने हुए होते हैं। और तने के सबसे भीतरी भाग में क्या स्थित रहता है? पित्त पाया जाता है, जो पेरेंकाइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये था एकबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना। अब हम देखेंगे द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? एकबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो है बाह्य त्वचा या इपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस, तीसरा भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू, और चौथा संवहन पुल। संवहन पुल ये संरचनाएं एकबीजपत्री तना जैसे कि घास हुआ, धान हुआ, गेहूं आदि में पाया जाता है। या मक्का भी किस प्रकार का पौधा है? एकबीजपत्री पौधा है। तो उनकी आंतरिक संरचना में ये संरचनाएं जो है हमको दिखाई देते हैं। इसके लिए हमको तना की क्या लेना पड़ता है? अनुप्रस्थ काट की स्लाइड लेनी पड़ती है। अनुप्रस्थ काट लेते हैं और उसमें इन संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे बाहर जो संरचना पाई जाती है तने में उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा या इपिडर्मिस। और ये सिंगल लेयर होती है और इसके बाहर की ओर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है।
एक बीजपत्री तना की जो बाह्य त्वचा है उसके बाहर रोम नहीं पाए जाते या एक बीजपत्री तना में रोम नहीं पाया जाता है। इसके नीचे हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं स्थित होती हैं, अर्थात इपिडर्मिस के नीचे कौन पाया जाता है या कौन स्थित रहता है, हाइपोडर्मिस स्थित रहता है। और हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेन काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है और ये 3 से 4 कोशिका मोटी होती है। स्क्लेरेन काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई इसमें क्या पाया जाता है, हाइपोडर्मिस पाया जाता है। हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में भी अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, देख रहे हो आप कहीं पे भी खाली स्थान नहीं है, पूरी जो कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। तो ये आपकी हाइपोडर्मिस हुई। हाइपोडर्मिस के पश्चात कौन सी कोशिका स्थित रहती है, ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे कॉर्टेक्स जो है नहीं पाया जाता और हाइपोडर्मिस से लेके तने के भीतरी भाग या केंद्र तक कौन स्थित रहता है, ग्राउंड टिश्यू स्थित रहता है। और ये ग्राउंड टिश्यू जो है पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती है और इन पेरेंट काइमेटस कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है पाया जाता है। ये पूरा आपका ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू और इन्हीं ग्राउंड टिश्यूज में संवहन पुल बिखरे हुए होते हैं। बीच बीच में क्या रह स्थित होंगे, संवहन पुल एक बीजपत्री तना में संवहन पुल होता है संयुक्त कोलेट्रल और बंद प्रकार का। द्विबीजपत्री में किस प्रकार का बताई थी, संयुक्त कोलेट्रल और खुले प्रकार का, लेकिन जो एक बीजपत्री तना है उसके समान पुल होते हैं संयुक्त कोलेट्रल और बंद प्रकार के। और ये समान पुल जो है चारों ओर से स्क्लेरेन काइमा कोशिका से घिरे हुए होते हैं। स्क्लेरेन काइमा की कोशिका होती है जैसे संवहन पुल घिरे हुए होते हैं, इसमें अंदर की ओर रहेगा जाइलम जाइलम और ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम और नीचे या केंद्र की ओर कौन रहेगा, प्रोटोजाइलम। और जाइलम और जाइलम के ऊपरी हिस्से में या ऊपरी भाग में कौन स्थित रहता है, फ्लोएम की कोशिकाएं जो है स्थित होती हैं। तो ये है आपका फ्लोएम और ये है जाइलम। और आप लोग देख रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, तो उस प्रकार के संवहन पुल को कौन सा संवहन पुल कहा जाता है, बंद प्रकार का संवहन पुल कहा जाता है। इसकी जो फ्लोएम है वो बनी हुई रहती है सखी कोशिका और चालनी नलिका का। सखी कोशिका तथा किसकी बनी रहती है, चालनी नलिका या सीव ट्यूब का बना रहता है। इसमें फ्लोएम पेरेंकाइमा नहीं पाई जाती और जाइलम बना रहता है ट्रैकेट्स वेसल्स और जाइलम पेरेंकाइमा का। यहाँ पे पित्त जो है नहीं पाया जाता है, तो ग्राउंड टिश्यू केंद्र की
पूरे यहाँ पे फैले हुए होंगे। और क्या बताई थी, संवहन फूल क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। तो ये यहाँ हुआ, दूसरा इधर बनेगा, तीसरा इधर, इस प्रकार से क्या बनता है, संवहन फूल जो है स्थित होता है। और जो पुराने संवहन फूल होते हैं वो केंद्र की ओर स्थित होते हैं और उनका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। इसको छोटा, इससे बड़ा कहाँ बनेगा, यहाँ पे केंद्र की ओर बनेगा। और ये भी किससे घिरा हुआ होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स से घिरा हुआ होगा। और इसके इस स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर स्थित होगा और मेटाजाइलम बाहर की ओर स्थित होता है और प्रोटोजाइलम कहाँ पे स्थित रहता है, केंद्र की ओर। और जाइलम के ऊपरी भाग में फ्लोएम की कोशिकाएं जो है पाई जाती है। तो जाइलम का कार्य है खनिज लवण और जल का संवहन करना, और ये जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, भोज्य पदार्थों का संवहन करती हैं और इसमें पित्त जो है नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, जिसमें सबसे बाहर क्या पाया जाता है, इपिडर्मी जो सिंगल लेयर होता है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस स्थित होती है और ये बनी रहती है स्क्लेरेंकाइमा की। और ये 3 से 4 कोशिका मोटी होती है। उसके नीचे क्या पाया जाता है, ग्राउंड टिश्यू या भरण होता है, जो हाइपोडर्मिस से केंद्र, तना का जो भीतरी या केंद्र वाला भाग है, भीतरी भाग तक फैला हुआ होता है। उन्हीं ग्राउंड टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, संवहन फूल पाए जाते हैं, बिखरे हुए स्थिति में, या बिखरे हुए होते हैं, कुछ बाहर की ओर होंगे, कुछ बीच में, कुछ कहाँ पे होंगे, भीतर की ओर। उसमें संवहन फूल एक ही आकार के नहीं होते, बाहर की ओर जो संवहन फूल होते हैं उनका आकार छोटा होता है और केंद्र की ओर जो संवहन फूल होता है उसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। और इनके संवहन फूल संयुक्त कोलेट्रल और बंद प्रकार का होता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या अनुपस्थित रहता है, कैम्बियम अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रकार बाहर की ओर जाइलम फ्लोएम रहेगा, अंदर की ओर क्या रहेगा, जाइलम। तो इस प्रकार का संवहन पुल कहलाता है संयुक्त कोलेट्रल और बंद प्रकार का संवहन पुल। और पित्त जो है इसमें नहीं पाई जाती। अब एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना, दोनों की आंतरिक संरचना आप देख चुके हो। इसके आधार पे आप एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना में कौन कौन सा अंतर पाया जाता है वो आप लिख सकते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना, तना, और इधर क्या लिखेंगे, एक बीजपत्री तना। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री तना में बाह्य त्वचा में क्या पाया जाता है, बहुकोशी रोम पाया जाता है। जबकि एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता, रोम अनुपस्थित होता है बाह्य त्वचा पे। उसके पश्चात दूसरा जो अंतर है उसके हाइपोडर्मिस में देखेंगे। तो हाइपोडर्मिस द्विबीजपत्री तना में कैसा होता है, कोलेनकाइमेटस होता है। कोलेनकाइमेटस होता है और एक बीजपत्री में कैसा होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस।
तीसरा जो अंतर है उनके समान फूल में देख लेते हैं। समान फूल द्विबीजपत्री तना में कैसा होता है? समान फूल संयुक्त कोलेट्रल एवं बंद सॉरी खुला प्रकार का होता है। और एक बीजपत्री पौधे में समान फूल जो है संयुक्त कोलेट्रल और बंद प्रकार का होता है। द्विबीजपत्री तना में समान फूल एक चक्र या रिंग में स्थित होते हैं। समान फूल या वैस्कुलर बंडल वलय या रिंग में स्थित होते हैं। जबकि एक बीजपत्री जो तना होता है उसमें समान फूल कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। और ये कहाँ पे बिखरे हुए होते हैं? ग्राउंड टिश्यू में। समान फूल भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए स्थित होते हैं। इसके अलावा पांचवा अंतर, चूंकि तना में कैम्बियम उपस्थित रहता है इसलिए द्विबीजपत्री सॉरी कैम्बियम किसमें नहीं पाया जाता? एक बीजपत्री तना में, द्विबीजपत्री में पाया जाता है। द्विबीजपत्री में तना कैम्बियम की उपस्थिति के कारण द्विबीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि होती है। जिससे द्वितीयक वृद्धि होने से तना जो है मोटाई में वृद्धि करते हैं। और एक बीजपत्री तना में कैम्बियम नहीं पाया जाता इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तो यह है एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना में अंतर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? तने की विशेषता, जो तना होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, और तने की एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।